साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday. हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो के रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग 7 पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड करेंगे। तो आपको इस क्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो सारे में हम लोग डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड कर लेंगे। इसको 30 सेकेंड्स तक रख लेते हैं। ओके, इसके बाद इन सारे पिक्चर्स के विग्नेट को हम लोग ऑन कर लेंगे। इसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेते हैं एंड इसको भी 8 तक रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्रोमा के वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ ब्लू कलर ऑलरेडी ऐड हो गया है तो इसको बस एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ले लेनी है एंड इसकी साइज़ को हम लोग 30 सेकेंड्स रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ओके, एंड फिर से आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहाँ पे ग्रीन कलर को ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसके बाद आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसको हम लोग सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसको यहाँ रख लेते हैं एंड जैसे ही यहाँ पे ये फ्रेम ख़त्म होगी तो इस पिक्चर को राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे एंड फिर से यहाँ पे हम लोग सेकेंड फ्रेम में पिक्चर को ऐड कर लेंगे। तो इसको भी हम लोग स्टार्ट से रखेंगे एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको इस फ्रेम में रख लेंगे। ओके, एंड इसमें भी जहाँ तक फ्रेम ख़त्म हो जाएगी उसके बाद राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे एंड थर्ड फ्रेम में भी हम लोग पिक्चर को ऐड कर लेंगे। तो उसको भी स्टार्ट से रखना है एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे
एंड इसको भी राइट साइड में ट्रिम कर लेंगे जहाँ तक फ्रेम ख़त्म हो जाती है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जैसे नेक्स्ट फ्रेम आने वाली होगी तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पिक्चर को ऐड कर लेंगे। एंड इसको फिर से सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको इस फ्रेम में रख लेंगे। तो इसी तरह से आपको एंड तक सारी पिक्चर्स को ऐड कर लेनी है। तो मैं अभी इसको रहने देती हूँ, आप लोग ऐड कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने टेम्पलेट वीडियो को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको स्क्रीन करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने नेम के टेक्स्ट को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। और अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट की साउंड को ऑफ कर सकते हो एंड इसके बाद ऑडियो में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स।